प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। पंचलों ने छात्रा को तेजाब से जलाने की दी धमकी, छात्रा ने लगाई पुलिस प्रशासन से गुहार। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र शाहजंगी पंचायत के अजीज नगर वार्ड नंबर 4 में सदस्य नुसरत बानोपति अशरफ उर्फ बबलू ने हबीबपुर थाने में आवेदन देकर मोहम्मद तौफीक एवं दो अन्य युवकों के खिलाफ बेटी को तेजाब से जलाने की धमकी और जान से मारने का आरोप लगाया है। वार्ड सदस्य नुसरत बानो ने बताया कि उनकी बेटी गांव में ही ट्यूशन पढ़ने टीचर के पास जाती है। उसी दौरान कई बार मुखिया पुत्र मोहम्मद तौफीक अपने दोस्तों के साथ उनकी बेटी का पीछा करता था। बेटी के बताए जाने पर जब उन लोगों ने शाहजंगी मुखिया पति मंजूर को कई बार इस घटना की शिकायत की, मगर उसका पुत्र अपनी आदतों से बाज नहीं आया। मनचले युवक ने छात्रा युवती के घर आकर परिजनों को गाली गलौज एवं मारने की धमकी तक दे डाली। लड़की के विरोध करने पर उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। वहीं मनचले युवकों ने तेजाब से जला देने की धमकी युवती को दे डाली। परिजनों ने इस बात का लिखित आवेदन देकर हबीबपुर थाने को युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वहीं छात्रा ने प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जब हम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं साजंगी पंचायत में, तो मोहम्मद मंजूर के बेटा तौसीफ कुछ दोस्तों के साथ मिलकर रास्ते में चिड़कानी करते हैं। जब हम अपने पापा को ये मामला बताएं तो पापा उसके घर पे जाकर बहुत बार शिकायत किए, पर उसके मम्मी पापा कोई एक्शन नहीं लेते। तो कल मोहम्मद तौसीफ और उसके कुछ साथी फ़ोन कर गाली देने लगे, और जब मम्मी से बात किए तो वो मम्मी को बोले, बहुत गंदी गंदी गाली दिए और मम्मी को बोले कि तुम्हारे पति को जान मारकर तुम्हें विधवा कर देंगे। उसके बाद मोहम्मद तौसीफ घर पे आए, जब हमने गेट खोला तो मोहम्मद तौसीफ गाली देने लगे और हाथ पकड़कर बाहर खींचने लगे। जब हमने मना किया तो तौसीफ बोला कि हम तेजाब डालकर जान मार देंगे और तुम्हारे पापा को मार कर तुम्हें अनाथ कर देंगे। और फिर आप लोग क्या किया, थाना गए? जी, फिर हम लोग मम्मी पापा को लेकर थाना गए, थाना में जाके सब कार्रवाई करने की आवेदन दिए। क्या चाहती हो बेटा तुम? हम सरकार से ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अगर यही सब चलेगा तो लड़की बाहर पढ़ने कैसे जाएगी। ये क्या मामला हुआ? क्या मामला हुआ, हमारी लड़की आती है पढ़ने के लिए, रास्ते में तंग करता है। कहाँ पढ़ने जाती है? कोचिंग। कहाँ है कोचिंग? साजंगी, साजंगी में। अच्छा, तो रास्ते में तंग करता है, फिर कल आके है ना घर पर है ना गेट लगा के है ना गाली गुप्ता अकेले मेरी बेटी का हाथ ताने लगा। जब उसके पापा अनाथ आदमी लोग सब रहे थे तो गिरते पड़ता। और क्या बोला यहाँ घर पे आके? घर पर आके बोलिश किए ना बबलू को जान मार देंगे, मेरी बेटी को हाथ खींच के ले जाने लगा, मेरी बेटी को भी गाली दी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थाना हम लोग गए। अच्छा, थाना में एप्लीकेशन दिया। तेजाब छिटने की भी बात कही? हाँ जी, तेजाब छिटने की भी बोली से। बोली से पति को मारने की भी धमकी? हाँ, मेरी बेटी को भी बोलिश की, तेरे पापा को मार देंगे तेरे को अनाथ कर देंगे, हमको बोलिश की तेरे पति को मार देंगे तेरे विधवा कर देंगे। वो कौन लड़का? तौसीफ। किसका बेटा है वो? मंजूर मुखिया का। साजंगी पंचायत जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम नुसरत बानो। क्या है आप? 4 नंबर वार्ड सदस्य।